हेलो फ्रेंड्स, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर टू हिंदी साहित्य है, तो उनके लिए ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो हमारा एग्ज़ाम अब एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 का एग्ज़ाम जो अब अगस्त में होगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि हम रीतिकाल से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो आज इसमें हम देखेंगे कौन कौन से जो हमारे टॉपिक हैं जो हम उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं और जिसको तैयार करके हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीतिकाल के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले रीतिकाल के अंदर आता है नामकरण। तो रीतिकाल का जो नामकरण है, इससे कई बार क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे रीतिकाल का जो नाम है वो अलग अलग कई विद्वानों ने दिया है, तो ये पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने रीतिकाल का क्या नाम दिया है। जैसे रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, अलंकृत काल मिसर बंधुओं ने कहा है, और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है, और कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने कहा है। तो जो ये नामकरण है ये ज़्यादा नहीं है, तो आप इनको ज़रूर याद रखें क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमारे ज़रूर बनते हैं। आगे देखते हैं, जो रीतिकाल है उसका तीन धाराओं में वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से कवि रीतिबद्ध हैं या नहीं, कौन से रीतिबद्ध हैं या नहीं, यानी कई बार नहीं करके क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, और कई बार पूछता है इनमें से रीतिमुक्त या रीतिशिद या रीतिबद्ध कौन से हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए कि रीतिबद्ध के अंदर कौन से कवि आते हैं, और रीतिसिद्ध के अंदर कौन से, और रीतिमुक्त के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं। इनको आप ज़रूर कवर करें। आगे देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। जो रीतिकाल है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज भी करता है। तो आज इसमें हम देखेंगे कि हमें मोस्टली कौन कौन से कवियों को कवर करना चाहिए। तो रीतिबद्ध के कवि देखते हैं, केशवदास चिंतामणि, भूषण जसवंत सिंह, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, देवदत्त, रसलीन, भिखारीदास और पद्माकर। तो ये 10 जो कवियों के नाम हैं ये आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि इनका कालक्रम भी पूछा जाता है और इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, और इनकी रचनाएं जो हैं वो कई बार क्रमवार भी पूछ ली जाती हैं। तो जितने भी ये कवि यहाँ पर मैंने लिखे हैं आप इनको ज़रूर कवर करें। आगे देखते हैं रीतिसिद्ध कवि कौन कौन से हैं। तो बिहारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद है रसनिधि, वरंद और नेवाज। तो आप इनको ज़रूर कवर करें। नेक्स्ट है रीतिमुक्त कवि। रीतिमुक्त के अंदर आते हैं घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा। और नेक्स्ट है द्विजदेव। तो इसके अंदर जो ये 5 कवि या आचार्य हम इनको कह सकते हैं, आप इनको ज़रूर कवर करें क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमारा ज़रूर बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कवि हैं वो आपको कवर करने हैं। इसके साथ साथ जो रीतिकाल है वो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें जो भी कोटेशन दी गई हैं एग्ज़ामिनर उन्हीं को उठाकर पूछता है। तो अगर आपके पास रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है तो आप रीतिकाल को उससे एक बार ज़रूर कवर करें, जिससे आपको ये पता रहेगा कि ये जो कोटेशन है ये रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। तो रीतिकाल को आप शुक्ल वाली बुक से ज़रूर देखें, और जो और बुक आपके पास है उससे भी आप इसको कवर कर सकते हो।
तो आज हमने रीति काल के बारे में जाना कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं और कौन से नहीं। लास्ट टाइम पर हम सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते और सब कुछ एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि उनमें से क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो अगर आप इस तरह से रीतिकाल को कवर करते हो तो अगर रीतिकाल से हमारे क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका अब भी कोई डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।